I welcome to all of you uh, on this special session um, uh, for uh, particularly for the paper attempting techniques uh, for the competitive examination uh, of CSS 2021.

कवर करेंगी अच्छा जी टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले एग्जाम में जाकर बैठते ही आपको एक बात जहन में रखनी है यानी आपका जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो होना चाहिए कि आई हैव टू अटेम्प्ट ऑल फोर क्वेश्चंस प्रॉपर ठीक है वजह यह है कि हमने काफी दफा मॉक्स के अंदर ऐसी कॉपियां चेक की जो कि बहुत अच्छे स्टूडेंट्स की थी उनके पास नॉलेज थी उनके पास प्रेजेंटेशन था बट एंड में या तो उन्होंने एक सवाल उनके पास टाइम बचा ही नहीं या फिर उन्होंने जो है वो कंप्लीट आंसर नहीं कर पाए ठीक है तो ये आपके लिए एक डिजास्टर हो सकता है ठीक है और ये एक आप एक नेगेटिव इमेज भी जो है वो हाईलाइट करता है कि यू फेल टू अटैम्प ऑल फोर क्वेश्चन प्रॉपरली आपके पास एक साल था प्रिपरेशन करने का और आप एग्जाम में चार सवाल प्रॉपर नहीं कर पाए प्रॉपर का मतलब है जिस तरह पहला क्वेश्चन होगा उसी तरह आखिरी क्वेश्चन होगा यह नहीं पहला क्वेश्चन सात पेजेस का है और जो है वो आखिरी क्वेश्चन दो पेज का है पहले क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन कंक्लूजन प्रॉपर होंगे तो फाइनल क्वेश्चन के अंदर भी यही चीजें होंगी

आपको ईच क्वेश्चन को देने हैं 35 टू 40 मिनट्स बात मेरी याद रखिएगा 35 टू 40 मिनट्स यू हैव टू एलोकेट ईच क्वेश्चन मसला कहां पर होता है मसला ये होता है कि 9 बजे कॉपी मिली सवा 9:30 बजे पेपर करना शुरू किया पहले क्वेश्चन के ऊपर आप में से 90% परसेंट बच्चे वन आवर स्पेंड कर देंगे क्यों क्योंकि वो बिल्कुल आंसर कॉपी आती है वो क्वेश्चन ज्यादा आता होता है और अभी तो बोलते हैं अभी तो तीन घंटे पढ़े जी आराम से क्वेश्चन कर लेंगे आप पहले क्वेश्चन के ऊपर एक घंटा लगा देते हैं और फिर आखिरी क्वेश्चन पे ऊपर आपके पास पंद्रह या बीस मिनट बच्चे होते हैं जिसमें से आप पैनिक कर जाते हैं ठीक है तो नो मैटर वॉट हैपन थर्टी फाइव तो टू फोर्टी मिनट आपके पास लिमिट है जिसमें आपने एक क्वेश्चन प्रॉपर वे में करना है अब वो प्रॉपर वे क्या है मैं आपको बताऊंगा जितना भी आता हो आपने उसके अंदर उसको कवर करना है एंड खत्म फिर सेकेंड क्वेश्चन फिर थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन इससे आपकी ओवरऑल कॉपी में जो है वो बैलेंस uh, पैदा होगा ठीक है जी तो पहली बात टाइम लिमिट, काइंडली स्विच ऑफ योर वीडियोस आप मुझे जो है वो मेरे लेक्चर के अंदर जो है ना फिर वो मसला कर रहा है ठीक है जी ये ना करें ठीक है जी तो मैंने क्या कहा टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है चार क्वेश्चंस प्रॉपर करने हैं

यानी ये एक पेज होता है और फिर दूसरा ये दूसरा पेज होता है ये ठीक है ना ये पूरा एक पेज नहीं कहलाता तो 6 टू 7 पेजेस होने चाहिए आपके दिस इज ट्रिकी उसके अंदर फिर एस्थेटिक्स का कमाल है कि किस तरह आप उसको 7 पेजेस के ऊपर लेके जाते हैं ठीक है लेकिन मैंने काफी बच्चों की कॉपीज चेक की हैं बच्चे 3 पेजेस का लिख लेते हैं 3 1/2 पेजेस का लिख लेते हैं द आंसर इज नो कुछ बच्चे जो है वो इंटेंशनली uh, कॉपी को वेस्ट करते हैं जब आप सीएसएस के अंदर जाएंगे ना जब सी एस एस की कॉपी मिलेगी ना जब आप उसको खोलेंगे तो फर्स्ट पेज के ऊपर देखिएगा लिखा होगा रूल्स गाइडलाइंस उसके अंदर बड़ा बड़ा लिखा होता है कि डू नॉट वेस्ट कॉपी या डू नॉट वेस्ट आंसर कॉपी या फिर लिखा होगा डोंट लीव एमटी स्पेसिस और अक्सर मैं देखता हूं बच्चे जानबूझ के पांच पांच छह छह लाइन का गैप दे रहे होते हैं उनको शायद कोई कह देता है कि आप गैप दोगे तो आंसर बड़ा हो जाएगा नहीं जी एग्जामिनर को ये सारी चीजें पता है एग्जामिनर नो द डायनेमिक्स ऑफ 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 एस्थेटिक्स एस्थेटिक्स कॉपी कॉपी आंसर तो आपने ये चीज नहीं करनी सिक्स टू सेवन पेजेस आपने प्रॉपर लिखने वो किस तरह लिखने में आपको आगे आके बताऊंगा

डोंट वेस्ट टाइम ऑन एमसीक्यूज आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे नौ जाएंगे, आपको एक जो भी वहाँ पे सुपरविजन के लिए खड़े हुए होंगे वो आपको जो है वो एमआर uh, शीट दे, दे देंगे एमसीक्यूज की एक शीट होती है और फिर दूसरा सुपरवाइजर आएगा uh, जो सुपरविजन वहां पे करने खड़ा होने वाला है या इनविजिलेटर है वो आपको उसी टाइम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी दे देगा अब कुछ बच्चे क्या करते हैं एमसीक्यूज के ऊपर बिलावजा टाइम जाया कर रहे होते हैं देखिए एमसीक्यूज या तो आपको आ रहा होगा या आपको एमसीक्यूज नहीं आ रहा होगा वहां पर टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है आपके ऊपर कोई वही नहीं आएगी आपको कहीं से कोई जो है वो लेटर नहीं आएगा कि आप जो है वो जो है वो उसको बाद में कर लें काफी मैंने ऐसे लोग भी देखे कि वो पूरा पूरा एमसीक्यूज पीछे लिख रहे होते हैं कि यार शायद मुझे अगर आखिर में याद आ जाए तो यू आर वेस्टिंग यूर टाइम ट्राई टू अटैम्प एमसी क्यूज एस फास्ट एज यू कैन भाई आता है तो आता है नहीं आता तो नहीं आता फिर आप उसमें काम ले सकते हैं कवर है। है कर लें दस मिनट में क्योंकि वहां पर जो आप दस मिनट सेव करेंगे ना वो आपको एंड में रीचेकिंग के अंदर या सिर्फ जो है वो एक नजर डालने में काम आ जाएगा कि मेरे तमाम क्वेश्चन पूरे किए हुए हैं क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर मैंने सही डाला हुआ है हेडिंग सही डाली हुई है कोई और इशू तो नहीं है कॉपी के अंदर तो वो दस मिनट आपको वहां पर काम आएंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है ना जो कि बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपको जो है वो वहां पर वो चीजें काम आए तो अब आपने एमसीक्यूज के ऊपर ब्लाजे का टाइम आपने जाया नहीं करना ठीक है जी अगेन समवन इज स्विचिंग अगेन आप लोग वीडियो ऑफ कर ले जी अच्छा जी तो ये तो हो गया टाइम मैनेजमेंट की बात नेक्स्ट पॉइंट पर अच्छा यहां पर मैं एक और बताता चलू बात काफी लोग आउटलाइन बनाने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन के अंदर जो के मैं बताऊंगा अच्छी चीज है बट ये देख लीजिएगा कि अगर आपके चार क्वेश्चन प्रॉपर अवेलेबल टाइम में नहीं हो रहे तो फिर आउटलाइन नहीं बना मैं हमेशा कह रहा हूं कि पहला ऑब्जेक्टिव है चार क्वेश्चन को पूरा करना अवेलेबल टाइम के अंदर चले जी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं टेन मिनट बाद नहीं मिलेगा तहा उसी टाइम मिल जाएगा ठीक है ना उसी टाइम मिल जाएगा एक इनविजिलेटर आपको एमसीक्यूज का पेपर दे देगा एक इनविजिलेटर आपके उसी टाइम पे आपको सब्जेक्टिव का पेपर ले दे, दे देगा ठीक है ना तो अब आपके ऊपर है कि आप जितनी जल्दी उसको कर लें तो आप उसको टाइम सेव करके और फिर जो है वो आप क्वेश्चन कर लें मैं अपनी बात करूं तो नौ बजे दोनों पेपर मिल जाते थे मैं नौ दस के ऊपर नौ बारह नौ तेरह के ऊपर अपना डिस्क्रिप्टिव जो है वो पेपर स्टार्ट कर देते

आपने क्या करना है जो मेजोरिटी बच्चे करते हैं पेपर पढ़ा पहला दूसरे स्टूडेंट दूसरे दोस्त से पूछा अच्छा यह भी सवाल था यार ये तो मुझे पता ही, अच्छा, तो ही नहीं चला ये नहीं करना आपके पास क्वेश्चन पेपर आया मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लाया हुआ आपने उसको एक एक सवाल को बारी बारी पढ़ना है ठीक है आपने पहला सवाल पढ़ा दूसरा सवाल पढ़ा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां पढ़ लिया फिर आपने दूसरा काम क्या करना है यू हैव टू मार्क द यू 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 टू या थिंक कैन द्वेश्चन आपने सर्किल किया चार क्वेश्चन या पांच क्वेश्चन के ऊपर आप सर्किल कर सकते हैं कि भाई मैं ये वाला सवाल भी कर सकता हूं मैं ये क्वेश्चन भी कर सकता हूं मैं ये क्वेश्चन भी कर सकता हूं या मैं ये क्वेश्चन भी कर सकती हूं ठीक है आपका एक काम होगा

कि भाई मैंने ये बेस्ट फोर सिलेक्ट कर लिए देखें जी जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया वन टू थ्री फोर ठीक है जी ये मैंने बावाकी में ये क्वेश्चन थे 2019 में जो मैंने सिलेक्ट किए थे आपने बेस्ट फोर सिलेक्ट कर लिए लास्ट काम आपने ये करना है डिसाइड देयर सीक्वेंस अब आपने बोला कि भाई ये चार सवाल मुझे बेस्ट आते हैं अब मैं इनकी सीक्वेंस क्या रखूंगा या रखूंगी यानी फर्स्ट के ऊपर कौन सा क्वेश्चन करूंगा सेकंड के ऊपर कौन सा क्वेश्चन करूंगा या करूंगी थर्ड पे क्या करूंगी फोर्थ पे क्या करूंगी मेरी बात याद रखिएगा पहला और आखिरी क्वेश्चन बेस्ट होना चाहिए यानी एग्जामिनर जब आपकी कॉपी खोले तो वो बेस्ट पे खोले और जब आपकी कॉपी बंद करे तो बेस्ट के ऊपर बंद करे ठीक है यानी चार सवाल आपने मार्क कर लिए अब उसमें से जो दो बेस्ट है ना वो पहला और आखिरी और बीच में वो दो जो आप समझते हैं कि एज कंपेर टू द अदर क्वेश्चन आपको थोड़ा कम आते हैं या मटीरियल कम है वो आप दो बीच में रख लें ठीक है तो सीक्वेंस भी बहुत जरूरी है ठीक है आखिरी पॉइंट क्वेश्चन मार्क कर लिए बेस्ट फोर सिलेक्ट कर लिए सीक्वेंस बना ली अब उसी टाइम आपने उन चारों की एक रफ स्केच एक रफ आउटलाइन कॉपी के रफ पेज के ऊपर बना लेनी है ये नहीं करना कि चलो भाई पहला बेस्ट जो आता है वो लिखना शुरू कर दे नहीं आपने चारों की एक रफ आउटलाइन जल्दी से पीछे की बैक रफ कॉपी के ऊपर बना लेनी बच्चे क्या करते हैं पहले क्वेश्चन की बनाते हैं पहला क्वेश्चन करते हैं दूसरे क्वेश्चन की बनाते हैं दूसरा तीसरे क्वेश्चन की तीसरा चौथे क्वेश्चन की बनाते हैं चौथा ये है गलत टेक्निक मैं ये क्यों कह रहा हूं कि शुरू में ही आप चारों क्वेश्चन की बैक के ऊपर एक रफ आउटलाइन बना लें वाई द आंसर इज सिंपल वेरी रैशनल कि जब एग्जाम हॉल में आप जाते हैं ना तो आपने उसी टाइम सारी चीजें रिवाइज की हुई होती हैं आपकी नॉलेज फ्रेश होती है यू हैव मैनी आर्ग्यूमेंट स्टैटिस्टिक्स डेटा रेफरेंसेस सब चीजें आपके जहन में फ्रेश होती हैं सो इट इज बेटर टू मेक द फोर आउटलाइंस ऑफ फोर क्वेश्चंस एट द बैक एंड ऑफ द कॉपी ऑल टूगेदर और फिर बारी बारी उसको करें एस कंपेयर टू कि अगर आप पहला क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे तो आपका पूरा फोकस्ड आप कंज्यूम्ड हो जाएंगे पहले क्वेश्चन के अंदर काफी दफा ऐसा होता है जब हम पहला क्वेश्चन करते हैं ना तो हमारी पूरा फोकस उस पहले क्वेश्चन में हो जाता है फिर जा हम दूसरे या तीसरे क्वेश्चन पर जाते हैं ना तो हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट होते हैं ना हमें लगता है वो भी हम भूल गए कि यार वो सुबह को मैंने पढ़ा था पता नहीं क्या था वो तो मुझे याद ही नहीं आ रहा अब क्या करूंगा मैं यार वो अगर आर्ग्यूमेंट याद आ जाता ना तो ये सवाल मेरा दस नंबर से मुझे ज्यादा नंबर मिल जाते अक्सर आपने देखा यही होता है बच्चों के साथ शेठ बोलते हैं कि यार मुझे याद नहीं आया अपने आप को कर्ज कर रहे होते हैं गालियां दे रहे होते हैं ये वजह ये है मैं आपको सिंपल लहजे में बता रहा हूं इसके पीछे वजह यह है कि आप जब फ्रेश थे आपने उसके ऊपर काम ही नहीं किया जब आप फ्रेश हो चारों की आउटलाइन आप पीछे बना लें जल्दी से दस मिनट लगेंगे मैक्सिमम अब उससे क्या होगा आपका कोई आर्ग्यूमेंट भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता फिर तो आपने पहला क्वेश्चन करना है पीछे से हेडिंग दूसरा क्वेश्चन पीछे से हेडिंग देख के तीसरा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन अब आपने अपने दिमाग के ऊपर स्ट्रेस ही नहीं डालना आप सारा काम कर चुके होंगे विद इन ट्वेंटी मिनट ऑफ द स्टार्ट ऑफ द पेपर शुरू के 20 मिनट में ही आपने सारा काम कर लिया ठीक है जी तो यह बात याद रखिएगा यह चीज बड़ी यूजफुल है जी जी कैंसिल करना होता है ठीक है जी तो ये चीज समझ में आई थिंग्स टू डू वेन यू गेट द डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रीड ऑल क्वेश्चन मार्क द क्वेश्चन सेलेक्ट द बेस्ट फॉर सीक्वेंस और फिर मार्क आउटलाइन इन द बैक ऑफ द कॉपी उसी टाइप ताकि कोई आर्ग्यूमेंट भूलने का सवाल ही पैदा ना रहे नेक्स्ट जी कॉम्प्रिहेंडिंग अ क्वेश्चन दिस इज बेसिकली प्रैक्टिस है यह एक टेक्निक है जो आप लोगों ने सीखनी है ठीक है अनफॉर्चुनेटली नाइंटी परसेंट ऑफ द कैंडिडेट ऑफ सी एस एस फेल टू कॉम्प्रीहेंड द क्वेश्चन दे टू बिटवीन द क्वेश्चन कैरिंग द क्वेश्चन डिस्क्रिप्ट लाइक एक्सप्लेन वॉट कमेंट क्रिटिकल एनालिसिस इलेबोरेट वो सबको एक ही तरीके से लेते हैं फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर गिव अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ पाकिस्तान एनर्जी पॉलिसी अब 90 परसेंट स्टूडेंट के ऊपर लिखेंगे कि इसने पूछा है व्हाट इज पाकिस्तान एनर्जी पॉलिसी वो इसके ऊपर पाकिस्तान की एनर्जी पॉलिसी लिखकर आ जाएगी बट द क्वेश्चन इज गिव अ क्रिटिकल रिव्यू ठीक है तो आपने सबसे पहला काम आज अगर आप लोगों को ये चीज नहीं पता तो आपने क्वेश्चन डिस्क्रिप्टर्स को पढ़ना है ठीक है मैं थोड़ा सा बता देता हूं क्वेश्चन डिस्क्रिप्टर्स के बारे में आप लोगों को ठीक है जी मैं थोड़ा सा चीज यहां पे बता देता हूं क्वेश्चन डिस्क्रिप्टर्स के बारे में आपको कि जी चार लेवल के क्वेश्चन डिस्क्रिप्टर्स होते हैं एक कहलाता है वॉट टाइप क्वेश्चन एक कहलाते हैं एक्सप्लेन टाइप क्वेश्चन एक कहलाते हैं एनालाइज टाइप क्वेश्चन और फाइनल लेवल कमेंट टाइप क्वेश्चन ये चार लेवल हैं

Uh, मुझे जो है क्लाइमेट चेंज आता है मैं कर लूंगा या कर लूंगी नहीं उसके ऊपर क्या चीज डिमांड है वो भी पता होना चाहिए तब जाके मैं मैं कह सकता हूं मैं वो कर सकता हूं हूं कि वो क्वेश्चन कर ठीक है जी वॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन सिंपल होते हैं आपसे जो पूछा है आपने वो लिख लिया फॉर एग्जाम्पल वट आर द बिहाइंड राइजिंग पॉपुलिज्म इन दर्ल्ड आपने सिर्फ कॉजे लिख देने व्हाट आर दल्यूशन टू द

लेवल टू टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कहलाते हैं एक्सप्लेन टाइप ऑफ क्वेश्चन ठीक है जी ये कहलाते हैं हमारे पास एक्सप्लेन टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके अंदर हम क्या करते हैं इसके अंदर हम बताते हैं वॉट के साथ साथ हाउ फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपसे पूछ रहा है एक्सप्लेन द जेंडर रिलेटेड इशूज इन पाकिस्तान वॉट आर द इशूज एज वेल एज वाई वुमेन आर फेसिंग दीज इशूज Why are women facing these issues? है? अगर पहला क्वेश्चन सवाल है कॉन्सिक्वेंट चेंज एंड आंसर वॉट एज वेल एज वाई आर वी फेसिंग दीज कॉन्सिक्वेंसेज अगर वो आपसे पूछता, well आप पूछता है कि चीज को एनालाइज करें तो एनालाइज का क्या मतलब होता है एनालाइज का मतलब होता है यू हैव टू ब्रेक डाउन दिस क्वेश्चन वीकनेसेस फिर आप उसके जो है वो solutions भी प्रपोज करें फॉर अगर आपको वो बोलता है यहां पर अगर हम देखें तो एक्सप्लेन का आंसर मैंने आपको चीजें बताई कि फॉर एग्जाम्पल एनालाइज अगर यहां पर हो कि एनालाइज द एनर्जी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान तब आपने पाकिस्तान की पॉलिसी है क्या उसके ऊपर पूरा आंसर नहीं लिखना यस यू हैव टू राइट व्हाट इज एनर्जी पॉलिसी बट यू हैव टू एनालाइज कि भाई उसकी हैसेस क्या थी उसकी वीकनेसेस क्या है टू व्हाट एक्सटेंड इट विल बी सक्सेसफुल और फिर जो चैलेंजेस हैं उसको किस तरह खत्म किया जा सकता है समझ रहे हैं मेरी बात कि जैसे ही आप नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं ना तो उसके अंदर पीछे लेवल्स के भी फीचर्स हैं लेकिन उसके अंदर आपने चीजें ज्यादा चीजें डिस्कस करनी होती हैं मैंने आपको एग्जाम्पल दी व्हाट आर द जेंडर इशूज वॉट आर द इश्यूज फेस बाय वुमेन सिर्फ वॉट लिख दो एक्सप्लेन द जेंडर रिलेटेड इशूज वॉट एज वेल एज हाउ एंड वाई थर्ड लेवल पर आ जाए बहुत इंपॉर्टेंट है ये थर्ड लेवल थर्ड लेवल में वो आपसे क्वेश्चंस पूछता है रिव्यू क्रिटिकली एनालाइज एग्जामिन अप्रेज एवेल्युएट अब ये कहलाते हैं ओपिनियन बेस्ड या जजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल वो कहता है आपको क्रिटिकली एनालाइज द ग्लोबल वार्मिंग द इश्यूज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्रिटिकली एनालाइज द इश्यूज ऑफ ये आपका क्लाइमेट चेंज फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपसे अब उसके अंदर क्या है ना सिर्फ इशूज है क्या क्यों हो रहे हैं और उसके ऊपर डिफरेंट डिबेट्स क्या चल रही है कितने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं एक स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है एक स्कूल ऑफ थॉट यह कह रहा है एक स्कूल ऑफ थॉट की जो बात है वो किस हद तक सही है दूसरे स्कूल ऑफ थॉट की बात किस हद तक सही है, है। मूवमेंट uh, अब नाइन्टी परसेंट बच्चे क्या गलती करते हैं खिलाफत मूवमेंट को एक्सप्लेन करना शुरू कर देते जी खिलाफत मूवमेंट जी नाइनटीन में बनी

प्रोटेस्ट की टेक्निक्स उन्होंने मुसलमानों को दिए कहता है कि भाई खिलाफत मूवमेंट इज एन इमोशनल मूवमेंट एंड इट एंडलियर तो इस स्कूल ऑफ थॉट के जो आर्गुमेंट है वो किस हद तक वैलिड है इस स्कूल के आर्गुमेंट किस हद तक वैलिड है और आप उसको किस तरह ले रहे ये, ये जब भी आती है ना चीजेंट के साथ आती है क्रिटिकल खिलाफत मूवमेंट या फिर वो आपको एग्जामिन कर देगा देखें यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है जो मैंने आपको यहां पे बताया था ये देखिए पहला ही सवाल है एग्जामिन द स्ट्रेटेजिक विजन बिहाइंड रोड एंड रोड इनिशिएटिव अब वो ये नहीं पूछ रहा व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक विजन बिहाइंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बच्चे व्हाट लिखकर आ जाएंगे कि ये ये ही था विजन यस yes, व्हाट तो बताना है पर उसको एग्जामिन करना है टू व्हाट एक्सटेंट बी आर आई विल बी सक्सेसफुल टू अचीव दिस स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव उसके पीछे रीजन क्या है किसको काउंटर करना है आप इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होंगे क्या आप समझते हैं ये स्ट्रेटेजिक विजन प्रैक्टिकल भी है या नहीं है यू हैव टू एग्जामिन एग्जामिनेशन समझते हैं ना मतलब आ, कभी आप जो है वो किसी जब पेशेंट जाते हैं तो डॉक्टर उसका एग्जामिन करता है कि भाई क्या मसला है क्यों है किस वजह से है तो सबसे इजी सवाल होते हैं वॉट वाले देखें क्वेश्चन नंबर फोर सबसे इजी है व्हाट विल बी द रीजंस ऑफ वाटर कॉन्फ्लिक्ट वाटर आर कॉन्फ्लिक्ट के रीज़न क्या सबसे सिंपल बता दे हाउ वाले सबसे आसान होते हैं हाउ कैन द गवर्निंग स्ट्रक्चर सिंपल बता दे दूसरे लेवल पे होते हैं जी एक्सप्लेन वाले जिसके साथ व्हाट के साथ आता है व्हाई भी बताते हैं थर्ड लेवल पर है जी एनालाइज एग्जामिन क्रिटिकल रिव्यू ठीक है यह है थर्ड लेवल के ऊपर अप्रेज जैसे यहां पे सवाल आया हुआ है गिव अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ पाकिस्तान एनर्जी पॉलिसी थोड़ा सा ये बता दें है क्या फिर उसके बाद उस पर रिव्यू दें फिर जो लास्ट जो बहुत डीप में चला जाता है सवाल जिसके ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट्स चाहिए जो आप लोग बिना सोचे समझे उन सवालों को अटैम्प कर लेते हैं वो कहलाता है जी कमेंट या फिर डिस्कस पहले कमेंट पे बात कर लेते हैं कमेंट मींस द एग्जामिनर वांट्स योर ओपिनियन एग्जामिनर वांट्स योर ओपिनियन ऑन सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन एग्जाम अलीगढ़ मूवमेंट वॉज डिवाइड ऑफ पोलिटिकल ऑब्जेक्टिव फुल स्टॉप आगे लिखा एक कमेंट अब नाइनटी परसेंट बच्चे क्या करेंगे अलीगढ़ मूवमेंट लिखना शुरू कर देंगे जी वो साइंटिफिक सोसाइटी बनाई और जो है अलीगढ़ कॉलेज बनाया और जो है वो अलीगढ़ गैजेट था तहजीबुल इखलाक था जी सरसैद खान बड़े कमाल आदमी थे बड़ा जी उन्होंने जिदोजहद की भाई कमाल आदमी थे लेकिन ये तो नहीं पूछा ना

आपने डिफरेंट स्कॉलर्स को पढ़ा होगा तो आप उन scholars में से किस स्कॉलर के व्यू के साथ अपना ओपिनियन इन लाइन रखते हैं केस ठीक है ना तो उसमें आप ये लिखेंगे कि भाई मेरा ये ओपिनियन है और ये ओपिनियन ये यहां पे जो है सब्सेंशियट करता है और मैं यहां पर ये ओपिनियन पे एग्री करता हूँ क्यों करता हूं क्यों क्या रीजन है उसको फिर आप सबसे करेंगे

उसके बहुत सारे रीजन थे बट ये नहीं बताऊंगा थोड़ा सा बताऊंगा लीगल मूवमेंट ठीक क्या लेकिन पूरा सात पेज जिस पे नहीं जाया कर दूंगा कि क्या थी क्या नहीं थी यू हैव टू कमेंट सवाल आ जाता है फॉर uh, एग्जाम्पल के डेमोक्रेसी या फिर अगर आप करंट अफेयर्स की बात कर लें, जैसे अभी सऊदी अरब का आया था कि पाक सऊदी रिलेशनशिप या पाक सऊदी रिलेशन इज आउट इज एक क्वेश्चन था बड़ा अच्छा इज डाउन बट नॉट आउट सवाल था द रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी आर डाउन बट नॉट आउट फुल स्टॉप कमेंट अब वो पूछ रहे हैं भाई आपके ऊपर कमेंट क्या है क्या आप समझते हैं कि सऊदी अरब के रिलेशन हमारे खराब है लेकिन ये बिल्कुल ही डिटेरिएट नहीं होगा बिल्कुल ही खत्म नहीं होगा समझते हैं आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में और आप ऐसा क्यों समझते हैं आप उसको डिस्कस करेंगे याद रखना जब भी कमेंट वाला क्वेश्चन उठाना ना तो यह चीज जो मैं आपको बता रहा हूं उसको जहन में रखना अगर नहीं कर पाते इतनी नॉलेज नहीं है तो मत करना प्लीज अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चों के जो पेपर्स होते हैं या जो नोट्स बनाते हैं वो दो लेवल्स के ऊपर जाते हैं वॉट और वाई के ऊपर वो तीसरी चौथी लेवल कंप्लीट ही नहीं करते जब भी कोई टॉपिक प्रिपेयर करते हैं वाटर क्राइसिस प्रिपेयर कर लिया या एटीन अमेंडमेंट प्रिपेयर कर लिया तो वॉट या वाई पे जाएंगे एनालाइज नहीं करेंगे उसको उसके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे कि भाई अमेंडमेंट पे एक कह रहा है खत्म होनी चाहिए एक कह रहा है खत्म नहीं होनी चाहिए वो क्यों कह रहा है ये क्यों कह रहा है और मेरा ओपिनियन क्या है अगर मैं कहता हूं नहीं खत्म होनी चाहिए तो उसके सोल्यूशन क्या है तो नोट्स मेकिंग भी लेवल फोर की नोट्स मेकिंग होगी तभी आप जाके लेवल लेवल और 4 के सवाल कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते हमारे जितने भी बैचेस होते हैं बैच बैच करंट अफेयर्स अफेयर्स का का पाकिस्तान का, या किसी का भी मैं हमेशा लेवल फोर के ऊपर लेक्चर लेता हूँ कि भाई एनालाइज कर लो एनालाइज कर लेंगे कमेंट कर लेंगे तो वॉड भी कर लेंगे वाई भी कर लेंगे एक्सप्लेन भी कर लेंगे क्रिटिकल रिव्यू भी कर लेंगे ठीक है जी तो इस तरह करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं मैं सिर्फ बैटरी मेरे लैपटॉप के लोग है उसको मैं सिर्फ

तो पूरा पॉइंट है चाइना स्ट्रेटेजिक विजन के ऊपर फिर काफी दफा हो जाता है कि वो एक ही सवाल में तीन से चार चीजें पूछ रहा होता है ठीक है ना कि भाई वॉट आरगान पीस प्रोसेस एंड पुट फॉरवर्ड अ फ्यू पॉलिसी रिकमेंडेशन तो इस सवाल के दो पार्ट हैं एक में आपसे पूछ रहा है कि भाई अफगान पीस प्रोसेस के चैलेंजेस क्या हैं और एक में आपसे पूछ रहा है कि इसके सोल्यूशन बताएं दोनों को आपने इक्वल स्पेस देनी है बच्चे क्या करते हैं चैलेंजेस के ऊपर बहुत ज्यादा लिख लिया सोल्यूशन पे कम लिखा तो वहां पर मसला पैदा हो जाता है दोनों को बराबर स्पेस देनी है जो भी क्वेश्चन होगा उसको हेडिंग सब हेडिंग्स में डिवाइड करेंगे चैलेंजेस चैलेंजेस की हेडिंग आ जाएंगी फिर अगर चैलेंजेस को अगर आप डिवाइड करना चाहें तो इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस में डिवाइड कर सकते हैं सोल्यूशन को अगेन डिवाइड uh, किया जा सकता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डोमेस्टिक सोल्यूशन के ऊपर एंड ट्राई टू बी डिफरेंट कोशिश करें कोई ऐसी बात करें जो जर्नल पब्लिक नहीं कर ठीक है कोई ऐसी चीज करें जो जर्नल बच्चे नहीं कर रहे ट्राई टू तो बी डिफरेंट ट्राई टू तो प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स कोटेशन रेफरेंसेज प्रोस्पेक्ट्स जो भी या कमेंट करें उसके ऊपर अगर नहीं भी पूछ रहा तो ट्राई टू तो बी डिफरेंट फिर है जी हमारे पास प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी डोंट एट दैट एस्टिमेट दिस सबसे पहले आपने प्रॉपर इंट्रोडक्शन लिखना है मैं देखता हूं लोगों के इंट्रोडक्शन होता है अभी भी हमारी एक बड़ी अच्छी स्टूडेंट है शी हैज टू इनशाजियल उनके भी मैं इंट्रोडक्शन चेक कर रहा एग्जाम तो में, तो में भी बताऊंगा प्रॉपर इंट्रोडक्शन का मतलब होता है डायरेक्टली हिट द टॉपिक जो आपसे पूछा है ठीक है यानी सवाल है कोविड नाइनटीन uh, uh, ठीक है जी अगर आपके पास क्वेश्चन होता है कि आप जो है वो उसको क्रिटिकली एनालाइज या डिस्कस या फिर आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोविड नाइन्टीन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान तो इंट्रोडक्शन भी कोविड के असरा इकोनॉमी के ऊपर होने चाहिए ये नहीं बताएंगे ग्लोबल में ये हो गया और कोविड के सोशल असरात भी थे और जी साइकोलॉजिकल जो है वो इंपैक्ट भी नहीं जी डायरेक्टली हिट द टॉपिक दूसरी चीज डू नॉट

आपने लिखना है, मतलब है, uh, तो है अफवान पीस प्रोसेस के चैलेंजेस क्या है के अंदर और उसके आप क्या पॉलिसी रिकमेंडेशन देने एक प्रिसाइज फॉर्म के अंदर एक अच्छी एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है? फिर एंड इंट्रोडक्शन विद रेलिवेंट कोटेशन एंड रेफरेंस ये बात याद रखिएगा इंट्रोडक्शन को एंड करें और उसके नीचे एक रेलिवेंट कोटेशन और रेफरेंस जरूर लिखें इससे बड़ा एक अच्छा इंपैक्ट जाता है आपके पास एग्जामिनर ज्यादातर इंट्रोडक्शन और आपकी हेडिंग्स पढ़ता है ही और शी डू नॉट हैव टाइम टू रीड योर होल कॉपी इतना टाइम नहीं होता मैं मॉक्स चेक करता हूं मुझे भी पता है मैं तो समझे कभी पंद्रह कॉपीज चेक करता हूँ बीस ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम उनके पास हजारों की तादाद में कॉपीज होती है तो ये बात याद रखिएगा द बेस्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन मस्ट बी यूर इंट्रोडक्शन मस्ट बी योर इंट्रोडक्शन बट अगेन उसमें ज्यादा नहीं लिखिएगा सिक्सटी टू एटी वर्ड्स सिक्स टू एट लाइन्स एंड दैट इज मैक्सिमम इससे ज्यादा जाएंगे तो फिर वो उसकी अपनी रेलिवेंसी खो देगा फिर जी आपने हेडिंग्स सेल्फ डिफाइंड हेडिंग्स डालनी होती है हेडिंग्स शुड बी सेल्फ डिफाइंड जो आपने क्वेश्चन में हेडिंग्स में डिवाइड करना है ना वो सेल्फ डिफाइंड होनी चाहिए प्रॉपर हेडिंग्स में आपको एक चीज यहां पे दिखाता हूं कि स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं ऑल दो मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगा आपको लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर हमारी मॉक सीरीज में मैं आपको दिखाऊं तो ये देखे अब ये सवाल है उसने पूछा व्हाट आर द चैलेंजेस टू द पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी अब इन्होंने गुड हेडिंग बट इट इज नॉट अ सेल्फ हेडिंग मतलब पढ़ के पूरा पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा चैलेंज क्या है सेल्फ हेडिंग शुड बी लाइक दिस जैसा कि मैंने यहां पे लिखी हुई है के उथ एशिया सऊदी ईरान राइवलरी कॉलन क्रिएटिंग कैच 22 टू पोजिशन फॉर पाकिस्तान अब यहां पर पता चल रहा है कि तो भाई सऊदी ईरान राइवलरी पाकिस्तान के लिए गलमा पैदा कर रही है कि किसका साथ दे यूएस इंडिया का जो आपस में ब्रोमेंस है वो रीजन के स्ट्रेटिक बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहा है सीनो इंडिया का जो लड़ाई है उससे कंपटीशन कोल्ड वॉर लिख दिया, दिया। ये हेडिंग्स नहीं है। हेडिंग्स. ये बात याद आपने प्रॉपर सेल्फ डिफाइंड लिखनी है तब जाके बड़े अच्छे नंबर आएंगे फिर जैसा कि मैंने कहा गिव प्रॉपर टाइम इन स्पेस टू ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में चैलेंजेस अच्छा मैं यहाँ पे एक और चीज आपको दिखा दू कि यहाँ पर अब देखिए ना सवाल में था कि चैलेंजेस भी डिस्कस करने आपने जो है वो वे फॉरवर्ड भी डिस्कस करनी है अब ये जिसका भी पेपर है उन्होंने क्या किया है तभी इनके नंबर भी थोड़े से मैंने काटे थे कि ये देखे ना अब चैलेंजेस इन्होंने काफी लिखे और जब वे फॉरवर्ड की बारी आई तो एक दो तीन सिर्फ तीन सोल्यूशन लिखे इज नॉट करेक्ट जो भी सवाल में पूछा जाए दोनों को प्रॉपर स्पेस प्रॉपर टाइम देना है फिर जी कॉन्क्लूजन हम अक्सर क्या करते हैं प्रॉपर जो है वो वे में लिखना है फोर टू सिक्स लाइन अच्छी तरह अगर रेफरेंस है तो उसके अंदर आपने एक भी तब जाके आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा इंट्रोडक्शन सब हेडिंग्स ठीक है जी? फिर जो जो होंगे ना उसके अंदर जो main argument है रिप्रेजेंटेशन भी दे रहे तो भाई मैं सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं मैं pictorial भी लिखता हूं यानी पूछा वॉट आर दैलेंजेस पाकिस्तान बना दें तो भाई दीज आर दैलेंजेस फिर आपको बताना शुरू कर दे तो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा आप एक फ्लो चार्ट बना दें ठीक है वो आपसे पूछ रहा है वॉट आर द स्ट्रेटेजिक विजन ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो आप पहले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मैप बना दें फिर आप उसके अंदर उसमें से समझाना शुरू करें ठीक है ना ट्राई टू बी क्रिएटिव ठीक है जी तो ये था यहां तक था आपसे मेरा सेशन अब अगर मिस शफक यहां पर मौजूद है तो हम उनसे कोशिश करेंगे या मैं उनको बोल देता मैं खाले मौजूद है मिस